उस दिन कैलेंडर पर तारीख थी 6 अगस्त सन 1945। मंडे मॉर्निंग का दिन था। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान रोज की तरह साफ था। हिरोशिमा के लोगों के लिए हर सुबह की तरह एक सामान्य सुबह थी। लोग हर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकल गए थे, बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। इसी बीच आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखता है। ठीक 8:15 पर इस विमान से कुछ नीचे टपकता है। दूर से लोग इसे देख नहीं सकते थे कि आसमान से क्या टपक रहा है। उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटम बम था। एग्जैक्टली 43 सेकंड तक ये आसमान से नीचे गिरता रहता है। इसके बाद पलक झपकते ही सब खत्म। इसके बाद लोगों को बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और मानो उनकी आंखों के सामने एक सूरज आ गया हो। जमीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पलक झपकते ही इस धमाके में 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा, आखिर अमेरिका ने जापान पर एटम बम क्यों गिराया? इसमें जापान की क्या गलतियां रही होंगी और वर्ल्ड वॉर 2 से इस धमाके के क्या कनेक्शंस हैं? आज के जापान पर इस तबाही के क्या प्रभाव पड़े हैं और कैसे कुछ ही सालों में जापान इतनी वेल डेवलप्ड कंट्री बन गया? आइए आज के इस एपिसोड में समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्स की कहानी। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से। ये युद्ध शुरू हुआ 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड देश पर अटैक किया। शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस वॉर का हिस्सा ना बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में अब कुछ भी हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका को भी इस वॉर में मजबूरन शामिल होना पड़ा। जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाती है तो अक्सर हम जर्मनी और हिटलर पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। असल में अर्ली 90s में जापान में भी साम्राज्यवाद देखा जा रहा था, ठीक उसी तरीके से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपियन कंट्रीज बाकी कंट्रीज पर कब्जा करने लगे थे। यही चीज जापान भी कर रहा था। इंडिया जैसे ब्रिटेन एम्पायर का हिस्सा था, ऐसे ही 1940s में जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। जापानीज कॉलोनाइजर्स बात करते थे ग्रेटर एशिया की, हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो। लेकिन ये सब कहने की बातें थी, ये भी बाकी कॉलोनाइजर्स की तरह जमीन पर कब्जा करते थे ताकि इन्हें खुद मुनाफा मिल सके। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक जंग छेड़े जा रहा, दूसरी तरफ एशिया में जापान है वो भी यही सेम चीज कर रहा है। इसके बाद अमेरिका इन्हें रोकने के लिए इंटरफेयर न करते हुए कुछ इकोनॉमिकल एक्शन लेता है। अमेरिका एक्चुअली में कॉपर, आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह माना जाता था। इसके बाद अमेरिका जापान से कॉपर, स्टील और आयरन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा देता है। उम्मीद ये थी कि जापान इसके बाद शांत बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद अमेरिका जापान को तेल बेचना बंद कर देता है। उस जमाने में ऑयल काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हुआ करता था जापानीज लोगों के लिए, और जापान का करीब 80% ऑयल अमेरिका से ही आता था। अमेरिका कहता है कि हम आपको तेल वापस से देना शुरू कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कुछ ये शर्तें माननी होंगी। चाइना के एरियाज को जो तुमने ऑक्यूपाई किया है वहां से तुम्हें वापस निकलना पड़ेगा, और जर्मनी और इटली के साथ अपने अलायंस तोड़ने होंगे। लेकिन जापान इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जापान का ग्रेटर एशिया बनने का सपना इन सब चीजों से टूट जाता। जापान देखता है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज हैं वहां पर ऑयल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, और फिर इन एरियाज पर जापान कब्जा करने की सोचता है। लेकिन उस समय मलेशिया और इंडोनेशिया डच अलायंस के थे, तो अमेरिका पर ही इनके कब्जे थे। लेकिन जापान यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। वो अमेरिका के मिलिट्री अलायंस पर सरप्राइज अटैक करने का प्लान बनाते हैं। तारीख 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर में यूएस नेवी के बेस पर हमला करता है। 350 से ज्यादा जापानीज नेवी के एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, बॉम्ब गिरा हैं, और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। ऑब्वियसली इसके रेस्पॉन्स में अमेरिका ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि वो भी वॉर में आ रहा है। सिंस द अनप्रोवोक्ड अटैक बाय जापान ऑन संडे, ए स्टेट ऑफ वॉर हैज एग्जिस्टेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जापानीज एम्पायर। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं।
इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें तो साल 1943 में इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है। उसके बाद मई 1945 में जर्मनी सरेंडर कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। अब वापस आते हैं अपनी कहानी में। अब अमेरिका बदला लेने की फिराक में था और वो एक प्लान बनाता है। उस प्लान का नाम था ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम रखा जाता था बैटल ऑफ ओकिनामा। 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 के बीच ये जंग लड़ी गई। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है ओकिनावा आइसलैंड पर, लेकिन ये ओकिनामा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापान की आर्मी अमेरिका पर भारी पड़ रही थी। उनकी तरफ से लगातार सुसाइड्स बॉम्ब से हमला किया जा रहा था। उस अटैक में हर एक सोल्जर्स आखिरी दम तक अपनी जान लगा देता है, क्योंकि जापानीज एम्परर ने उनका ब्रेन वॉश कर रखा था। इसलिए बैटल ऑफ ओकिनावा को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है। इवेंचुअली अमेरिका ये जंग जीत जाता है, लेकिन इसमें 12,000 अमेरिकी सोल्जर मारे गए, 5,000 से ज्यादा सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ 1,00,000 से ज्यादा जापानीज सोल्जर्स मारे गए थे। उस समय में अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन कई तरीके सोचते हैं जापान पर हमला करने, लेकिन फिर हैरी को पता चलता है एक टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे कि दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए 16 जुलाई 1945 को इस बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है न्यू मेक्सिको के एक बॉम्ब रेंज में, और ये टेस्ट सक्सेसफुल निकलता है। ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल गया है। ट्रूमैन डिस्कस करते हैं बाकी और मिलिट्री हेड और गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि कैसे ये बॉम्ब गिराया जाए। ट्रूमैन डिसाइड करते हैं कि ये बॉम्ब गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग दी जाए जापान को। 26 जुलाई 1945 को पोट्सडम डिक्लेरेशन होता है। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एक साथ आते हैं और जापान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करते हैं। अमेरिका पोट्सडम डिक्लेरेशन में लिखता है, अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा पूरी तरीके से तबाही। जापान कभी सोच भी नहीं सकता था कि एटम बॉम्ब जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। 29 जुलाई 1945 को जवाब में जापान अनकंडीशनल सरेंडर वाले पोट्सडम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। सुबह के करीब 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान बिल्कुल साफ था। हिरोशिमा के लोगों के लिए हर रोज की तरह एक आम सुबह थी। इतने में आसमान से अमेरिकन बोइंग B-29 गुजरता है। विमान में रखा था लिटिल बॉय एटम बॉम्ब। सुबह के करीब 8:15 पर लिटिल बॉय को नीचे गिराया जाता है। अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला इकलौता देश जाता है जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला। उस धमाके के बाद जो लोग बाद में सरवाइव कर गए वो कहते हैं पहले इतनी तेज रोशनी दिखाई जिससे बहुत से लोग परमानेंट अंधे हो गए। उसके बाद भयानक आवाज जो इतनी तेज थी कि उसके बाद कई लोगों को परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया। जमीन का टेम्परेचर 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इतनी तेज हवाएं चलने लगी थी जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है। हिरोशिमा की 70% बिल्डिंगें अब खत्म हो चुकी थी। लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे और पलक झपकते ही इसमें 80,000 लोग मारे जाते। आमतौर पर जब भी किसी शहर में कोई डिजास्टर होता है तो एम्बुलेंस पहुंच जाती हैं, डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन यहां पर 90% हेल्थ वर्कर्स अपनी जान गंवा देते हैं इस बॉम्ब धमाके में। जो लोग इस समय नहीं मारे गए थे उनकी डेथ कुछ महीनों बाद रेडिएशन सिकनेस की वजह से हो जाती। इतने बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी जापानीज एम्परर ने सरेंडर करने से मना कर दी। इसके रेस्पॉन्स में ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और एटम बम गिरा देता है। इस बार बारी थी नागासाकी। सुबह के करीब 11 बजे थे एक और अमेरिकन B-29 विमान जाता है जिसका नाम था फैटमैन। पलक झपकते ही 40,000 लोग मारे जाते हैं। इसमें 6 से 7 स्क्वायर किलोमीटर तक शहर तहस नहस हो जाता है। इस बार शहर के आसपास पहाड़ियां थीं तो बॉम्ब का इम्पैक्ट काफी कम पड़ा पहले के मुकाबले। इन दोनों वॉर्स में जो लोग मारे गए थे उनमें से 95% सिविलियंस थे, यानी कि आम जनता थी। इसके बाद फाइनली जापानीज एम्परर हिरोहितो सरेंडर करने का फैसला करते हैं। The time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. 15 अगस्त 1945 को सरेंडर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। इसके बाद जापान में नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती है। जापानीज एम्परर अब सिर्फ नाम के एम्परर बचे थे, पावर के नाम पर उन पर कुछ भी नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी में टोटल डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट पड़ती है $970 मिलियन, लेकिन जापान में उनकी रीबिल्डिंग और रिस्टोरेशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू कर दी थी और आज का जापान कुछ ऐसा दिखता है। पूरी कहानी सुनने के बाद क्या लगता है आपको दोस्तों इस एटम बॉम्ब के बारे में? होपफुली आज के दिन तक किसी और देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप भी 20वीं शताब्दी के महान फिलोसोफर रहे ओशो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।